अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो डॉक्टर इज बैक विद हिज व्लॉग। सो गाइस, आज जो व्लॉग आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि यार ये जो आजकल बकरे गाय वहीं जो कुर्बानी के मिल रहे इतने महंगे महंगे बेच रहे हैं, तो ये सही भी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। तो हमने सारा सामान उठा लिया, स्टेथोस्कोप, बीपी एपरेटस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई तो गाइस फाइनली हम बकरा मंडी पहुंच गए, पर अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है। दिखाएं आप एक अल्ट्रा, तो उसकी वजह से बकरे वाले ज़्यादातर चले गए, तो गाय वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गायें मजबूत हैं या नहीं। यार मैं दिखाना चाहता हूँ कि MBBS के डॉक्टर जो होते हैं वो अच्छी गाय पसंद कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, सबका मुआयना करते हैं गायों का। हो सकता है कोई गाय का मालिक मुझे पैसे भी दे दे कि भाई आपने चेकअप करा, आपने उसकी भलाई करी। तो चलें, क्या रेट है उसका? एक तीस। भाई मैं समझ गया आपका, आप चेक करने से पहले रेट पूछ रहे हो, इस हिसाब से आप अपना भी रेट बताओगे कि चेकअप का इतना रेट है। मेरा जो रेट है ना वो 30,000 है, पर अगर आप ये गाय के हिसाब से, अगर गाय 5 लाख का होगा ना, गाय 5 लाख का होगा तो भाई का 50,000 रेट होगा। रेट मतलब मेरा खरीदने का नहीं, मेरा मुआयना करने का, चेकअप करने का। तो अब यार ये है वैसे लड़का। अच्छा, वाह यार, आप लड़का है या नहीं? आप डॉक्टर के अलावा मुझे कुछ और लग रहे हो। गायें तो माशाल्लाह से अच्छी है। अच्छा, तो अभी हम लोग खड़े हैं गायों के बीच के अंदर, और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आंखों के जरिए आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा गाय जो है, कौन सी गाय है, कौन सा बैल है, जो आपको पता लग सकता है कि गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, कैसे पता लगेगा। आओ भाई थोड़ा इसका एग्जामिनेशन करते हैं। अभी ये देखो ये आंखें इसकी, आप देखो ये देखो, आंखें दिखाओ उसकी, करीब आओ, इसकी आंखें देखो और उसकी आंखें देखो। आपको अंदाजा हो रहा है कि कौन सा जानवर जो है वो तेज है इनमें से, ये या ये वाला ना, क्योंकि आंखें बता रही है इसकी। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा तंग करूंगा ना तो मारेगी मुझे, देखना अभी देखना। ये देखो ये देख रहे हो गुस्सा कैसा है, पर यही जो हमारी है, ये देखो मेरे से डर रही है, मेरे पे हमला नहीं कर रही है। ये है गायों की पहचान, बैलों की पहचान, की आंखें देखकर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि ये वाली दिखाओ बच्चे, कैसी है आंखें? में लग रहा है गुस्से वाली है, नहीं ना? तो देखो अभी ये कुछ भी नहीं करेगी मेरे को ना, तो अभी यही मैं आपको दिखाऊं, बैल गुस्से वाली। ये देखो, ये सामने वाली, ये भी मासूम है ना, तो आप आंखों के जरिए बता सकते हो। इधर दिखाओ, ये देखो इसकी आंखें देखो आप, ये देख रहे हो, आंखों से ही पता पड़ गया आपको कितनी तेज है। मैं सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो आप देखो आंखों के जरिए ही समझ गए कि ये तेज है, ये हमला कर सकती है। तो इसका अगर मैं एग्जामिनेशन करूँगा तो भाई ये तो भाई मेरी एग्जामिनेशन करेगी, इसका दिल चेक करूँगा तो ये मेरा दिल फाड़ देगी। तो मैं इसका मुआयना कर सकता हूँ क्योंकि मासूम है, देखो। आ जाओ भाई, ये देखो ये आपस में लड़ रहे। अबे तो अब बताना, मेरी आंखों से काम लोग गुस्से वाले लग रहे हैं फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो और ये भाई ने मुझे सपोर्ट किया। क्या नाम है भाई आपका? वसीम। किधर से हो? हाला से। हाला से, कब से आ रहे हो इधर? कल आए थे। नहीं रहा है सिंधी शेर? आता ही नहीं है। ABCD? आता ही नहीं। अलिफ बे? अरे हुक्म करो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास नहीं पढ़ता। तो क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। यही कौन सी मजदूरी? पानी बोतल। डर नहीं लगता गायों से? इतने छोटे होकर गायों के बीच में काम कर रहे हो आप, डर लगता है? सच में किसी भी गाय को बोलो पकड़ लोगे? ये मारेगी बहुत। इसको किस कर सकते हो? ये मारेगी ना? ये क्यों मारेगी? डर रही है पर ये है, बच्चा डर रहा नहीं है, बच्चा अच्छा है। तो अभी साथ है हमारे, और ये भाई कारोबार करते हैं पानी की बोतल का। अल्ट्रा क्या बोलोगे मेरी यार डॉक्टरी देखकर, लोगों को क्या पैगाम दोगे? यार डॉक्टर भाई माशाल्लाह से, सच बताओ MBBS के स्टूडेंट है और हाई क्वालिफाई के इंजीनियर बोल लो। Wow! Beautiful!
डॉक्टर है। और बस भाई इनों की तारीफ क्या की जाए, इतनी बड़ी खतरनाक जगह पे आए सिर्फ इस वजह से मेरी खातिर और गायों को देखने के भाई क्या गायों में कमी है, जिसमें भाई ने सबसे पहले बताया कि प्यार की कमी है। और मैं तेरे आंखों पे उदास कभी देख सकता नहीं। इसको देखो क्या कमी है, इसको खाने की कमी है बेचारे को। वो फिल्मों का डायलॉग नहीं होता एके अल्ट्रा साहब, वो फिल्मों का डायलॉग होता है ना कि भाई कि यहाँ आते तो अपनी खुशी से हो जाते हमारी इजाजत से, तो ये वही सीन लग रहा है। यहाँ आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहाँ से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। बीच में फंस गए यहाँ पर सब सही है। इस भाई को देखो ये काम नहीं दिखा रहा यार। यार इसने सपोर्ट किया है पर ये हाथ पकड़ के चलना हमारे को गाड़ी तक ले जा भाई। देखो इसका गुस्सा, देखो गुस्सा गुस्सा हमें तू एक मिनट तुम हमें बचा रहे हो, तुम भी डर रहे हो। नहीं भाई नहीं। भाई भाई मैं समझ गया, असल में जो कर रहा है ना ये गुस्सा दिला रहा है इसको। हाँ यार ये तो ये वैसे एक बात है, इसने सपोर्ट किया। अच्छा यार सपोर्टर है बेचारा। बड़ी जो गाय है ना सबसे बड़ी गाय पूरी मंडी में यही है, जितने लोगों ने बताया ना सब। और ये माशाल्लाह से मेरे ख्याल में 5-6 लाख इसकी प्राइस है। यार भाई इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? आपका नाम? हाजीपुर। तो यार ये जो गाय है मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गाय यही है, तो क्या प्राइस है इसके? तो ये कितने का है, मतलब कितने का है? 6 लाख। 6 लाख खालिक भाई, एक अल्ट्रा मैंने सही बताया ना, 6 लाख का होगा। तो गाइस आप देख सकते हो 6 लाख का जानवर वो रहा। और ये देखो भाई ये तो रेड बुल लग रहा है मुझे यार, 5 लाख का है भाई। ये बता रहा है मेरी ज्यादा वैल्यू है, पर 5 लाख का वो हैवी हूँ मैं। और वो जो है वो 6-7 ऐसे 6 लाख का, वो 6 लाख का, वो 5 लाख का ही है। इतना गुस्से में देख रही है मुझे कि भाई ये डॉक्टर आ गया मुझे सुई लगा देगा। क्या बोलोगे, आपको कैसा लगा 6 लाख का जानवर देख के? मेरे में दिल में एक आवाज आई, मजेदार। 8 लाख का है। 8 लाख का है, गरीब मिस्कीन। हाँ हाँ शरीफ होता है भाई। हाँ शरीफ है, देखेगा बदमाश वाला में देखा। हाँ बदमाश है भी नहीं है, मोतो भरे। हाँ दिल्लापुर था मैं जाने या। हाँ भैया यार लोगों से गाने सुनने, क्योंकि अभी रेट तो इतना मंडी का बढ़ा हुआ है। तो यार मंडी को हमने एंजॉय कर लिया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अभी तो आपको स्पेशल बात बताऊं। कौन सी वाली? डॉक्टर भाई नहीं आता, रात में आते हैं क्योंकि भाई पता होता है रात में कम रेट मिलेंगे। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।